गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवमी और बहुत जगह आज अष्टमी नवमी का कंफ्यूजन है, मगर सुबह 7 बजे तक ही अष्टमी थी तो नवमी लग गई है और मेरा 9 दिन का फास्ट था और हमने कलश स्थापना भी की थी तो आज उसका हवन करेंगे, इसलिए हम फटाफट से भोग बना लेते हैं। तो यहाँ हमने एक तरफ घी कढ़ाई में डाल दिया और एक तरफ हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, जिससे हम चने बनाएंगे। और इधर हम बनाएंगे पहले 5 पूड़ियाँ बना लेंगे, सॉरी 5 कह रहे हैं, 7 पूड़ियाँ बना लेंगे और उसके बाद से हलवा बनाएंगे आटे का। तो चलिए फटाफट से हम पूड़ियाँ तल लेते हैं, ये घी में बनाएंगे और सब्जी बना लेते हैं। और आप लोगों की नवरात्रि कैसी गई बताइएगा कमेंट में जरूर। मेरी तो अच्छी गई, ओके ओके थी, क्योंकि माता जी की पूजा थी तो ऐसे ही शक्ति मिल जाती है काम करने की और व्रत रहने की। थोड़ी तबीयत खराब थी बट कोई नहीं, ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद साल भर है, इसके लिए सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई हैं और अब यहाँ हम साइड में मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। फिर डाल देंगे हल्दी। हल्दी के बाद डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला और टमाटर। टमाटर के बाद नमक डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे गलने के लिए। जब पूड़ियां भी हमारी तैयार हो गई हैं, चने हमने उबाल के पहले ही रख लिए हैं तो फटाफट से जैसे ही टमाटर गल जाएगा इसमें हम चने मिक्स कर देंगे। और यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा मेरी हेल्प करा रहा है, क्योंकि छोटे वाले की तो तबीयत खराब हो रखी है। आजकल सीजन चेंज हो रहा है ना, तो सर्द गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है सभी को, तो आप लोग भी संभल के रहिएगा। बहुत ज्यादा इस समय ठंडी गर्मी की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन गई हमारी पूड़ियाँ और हम बना लेंगे अब आटे का हलवा। तो देख लेते हैं यहाँ पे टमाटर गला है या नहीं, अभी थोड़ा सा कसर था तो हमने फिर से ढक दिया है। गले में मेरे बहुत ज्यादा खराश हो रखी है। अब हम यहाँ पे आटा जो कि हलवे का भुन गया है तो इसमें हम चीनी डाल देंगे, पानी डाल देंगे और हमने यहाँ पे चॉप करके काजू और बादाम और किशमिश रखा है वो भी उसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरा हलवा भी तैयार हो गया, पूड़ी भी तैयार हो गई। तो अब इसके बाद से हम चलेंगे हवन करने, बस थोड़ा सा सब्जी भी हो जाए। टमाटर हमारा यहाँ पे गल गया है। देखिए यहाँ मेरा मसाला भी भुन गया यहाँ पे, अब इसमें चने मिक्स कर देंगे। और इसको ढक देते हैं। हमने यहाँ पे आलू बॉईल करके रखा हुआ था जो हमने चने में ही डाल के उबाल लिया था, तो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है ना, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और चूंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंपल प्लेन सिर्फ चने नहीं खा पाते हैं बच्चे, तो उसके लिए आलू मिक्स कर देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर हम धनिया की पत्ती डाल के ढक देंगे। बस अब ये मेरा हो गया।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा प्रसाद तैयार हो गया है और अब हम चलेंगे हवन की तैयारी करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे हवन करते समय। World seems small. We can sit together. It's तो आ गए हैं यहाँ पंडित जी और हमसे पूजन करवा रहे हैं, तो पूजन करने के बाद हम चलेंगे हवन करने। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने टाइम लैप्स पे डाल दिया है कि आप लोग देख भी लेंगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। Bird on a tree I'm just sitting here I got time. तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।